हाँ तो भाई जोसु काइसेन के चैप्टर 263 के स्पॉयलर्स आने में सिर्फ कुछ ही दिन है और कुछ फैंस ने बताया है कि आगे आने वाले चैप्टर्स में क्या होने वाला है और ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूटा एंड सुकुना ने अपने डोमेन एक्सपेंशन को ओपन कर दिया है। जहाँ पर सुकुना का मेलवेलेंट श्राइन है वहीं पर गोजो का इन्फिनाइट वॉइड है। अब बस ये देखना बाकी रह गया कि इन दोनों के डोमेन में कौन सा डोमेन जीतेगा। अब जिसने गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट देखी होगी उसको पता होगा तो जब यूटा ने गोजो की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया था और अब यहाँ गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट चल रही है जहाँ पर सुकुना ने अपना डोमेन एक्सपेंशन यानी मेलवेलेंट श्राइन को खोला था। बट उसके शोहित इफेक्ट से बचने के लिए गोजो ने अपनी पहली फाइट में अपने डोमेन को एक बास्केटबॉल जितना छोटा कर लिया था ताकि वो सुकुना के मेलवेलेंट श्राइन की रेंज से बच सके। और बिल्कुल यही डिट्टो चीज यूटा भी करता है जब वो सुकुना के साथ फाइट करता है। वो ये जानता था कि मुझे मेलवेलेंट श्राइन की रेंज को छोटा करना है तो इसीलिए वो अपने डोमेन एक्सपेंशन को बहुत ज्यादा छोटा कर लेता है। और वो ऐसा इसीलिए कर पाया बिकॉज वो गोजो की बॉडी में और उसके पास गोजो की मेमोरीज का सारा एक्सेस है। और तो और उसने गोजो एंड सुकुना की फाइट को देखा भी था। बट जो पहली फाइट हुई थी गोजो वर्सेस सुकुना की वहां पर गोजो सुकुना से जीत जाता है क्योंकि गोजो का इन्फिनाइट वर्ड सुकुना को हिट कर जाता है और गोजो का डोमेन जब सुकुना को हिट किया था तो सुकुना पूरी तरह हिल जाता है, उसकी आंखों में से खून आने लगता है। और गोजो का डोमेन हिट होने के बाद सुकुना तुरंत ही महोरागा को समन कर देता है और इस पैनल में हमें दिखाया गया है कि गोजो का डोमेन जीत चुका है और सुकुना की हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई थी। और पैनल के बॉटम में हमें महोरागा का व्हील दिखाया जाता है। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि गोजो का डोमेन सुकुना के डोमेन से कैसे जीत सकता है। देखो यार ये चीज तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगी कि सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन अभी अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं है और ये चीज तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। सुकुना का जो डोमेन है वो अभी बाइंडिंग वो की मदद से चल रहा है। अभी सुकुना की कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा कम है यूटा के लेवल पर तो इसी वजह से सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन को फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर पा रहा है। और इसी वजह से जब सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन को फॉर्म करता है तब जो उसके पीछे का श्राइन होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से दिखता है। वो एक इनकम्प्लीट वर्जन है उसके डोमेन एक्सपेंशन का। लेकिन भाई है तो वो किंग ऑफ कर्सेस ही, इसी वजह से उसने हाफ डोमेन को भी क्रिएट कर लिया। और तो और सुकुना ने अपने शोहित इफेक्ट को डायरेक्ट यूटा के ऊपर टारगेट कर रखा है कि वो कैसे ना कैसे करके यूटा को खत्म कर दे। और यूटा भी ये बहुत अच्छे से जानता है कि सुकुना की सबसे ज्यादा पावरफुल चीज उसका डोमेन एक्सपेंशन है। सो दैट्स व्हाई यूटा ये चाहता है कि वो सुकुना के डोमेन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दे, उसको सुकुना की कर्स एनर्जी का एक्सेस छीनना होगा। और यार ऑब्वियस सी बात, जो कर्स एनर्जी का कनेक्शन रहता है वो पूरी तरह ब्रेन से रहता है और अगर आपका ब्रेन डैमेज हो गया तो आप डोमेन एक्सपेंशन क्या कर्स एनर्जी भी यूज नहीं कर सकते हो। और ये सेम चीज गोजो का डोमेन करता है, वो उसके ब्रेन पर डायरेक्टली हिट करता है जाके और ब्रेन पर हिट होने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि गोजो वर्सेस जोगो की फाइट में हुआ था जहां पर गोजो पूरी तरह अनकॉन्शियस हो गया था। और बिल्कुल सुकुना के साथ भी ऐसे हुआ था जहां पर जब गोजो का डोमेन सुकुना को हिट किया था तब सुकुना का ब्रेन पूरी तरह डैमेज हो गया था, उसकी आंखों से और मुंह से खून निकलने लगा था। और मे बी ये चीज आने वाले चैप्टर्स में दोबारा हो सकती है। और ये चीज तो आप बिल्कुल मत भूलो कि गोजो की मदद करने के लिए पीछे यूजी और टोडो भी हैं। अब आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब जाने से पहले आप लोग डेमन स्लेयर की 12 हशिराज वाली वीडियो देख सकते हो और जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।